Good morning. Good morning. Good morning. Good morning from Bikaner, sand dunes. वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत नजारा है। अभी तक तो नींद ही नहीं खुल रही हमारी। वाह, अरे जीप कहाँ गई हमारी? जीप कौन ले गया? तो भाई आज है हमारा डे थ्री ऑफ। लोगों का डी डे होता है, हमारा सी डे है। तो हमारा सी डे आज, और हम अभी हैं कहीं समवेयर इन द सैंड ड्यून्स नियर बीकानेर, और आज एक्सप्लोर करेंगे बीकानेर सिटी को। और ये देख लीजिए, प्रॉपर्टी टूर मैं आपको कल आज ही दूंगा बाद में। ये हट्स है यहाँ पे, डेजर्ट हट्स। वहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम रात को हुआ था, टीले पे आपने कुछ देर पहले देखा ही होगा पहली वाली वीडियो में। ये बना जनरेटर चल रहा है, सोलर पैनल हमारे पास। यहाँ देखते हैं हमारे भाई साहब क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई साहब आप? पानी क्या कर रहे हो? कहाँ से ये पाइप, कहाँ से आई हुई है? अच्छा, तो गर्म पानी कैसे का, सुबह सुबह गर्म पानी आया था, उसका क्या जुगाड़ है? अच्छा, एक ही घंटा आता है सुबह। अच्छा अच्छा, इसलिए बंद हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये पीछे देख सकते हो आप, इसके डिस्पोजेबल टैंक्स वगैरह बनाए हुए हैं पूरा प्रॉपर इन्होंने। और ये कुछ फटदुल्ले आदमियों ने, जैसे यार सोशल एलिमेंट्स भी होते, जो उन्होंने तोड़ तोड़ दिए ये, या पता नहीं नए हैं के लिए रखे गए हैं। तो काफ़ी अच्छा, मतलब आप आके यहाँ अपना भी टाइम हमारी तरह ख़राब करना चाहते हैं। वो बताऊँगा क्यों। गाड़ी लेके कुछ करने, सामान लेने, उसके बाद जाते हैं आज बीकानेर सिटी एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे कुछ थोड़ा दिखाएंगे ऑफ रोडिंग वगैरह सैंड ड्यून्स में करके, ऐसे ऐसे जो होती है ना आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है। करण जी कैसे, क्या बोलते हैं उसको? ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग, हाँ। अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है मेरी, तो बताता रहा अगर मुझे। तो ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं, चलो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ प्रॉपर्टी टूर बाद में, हम शायद बीकानेर से लेट आए फिर लेट शेट हो जाए। ये एंड पार्ट है इसका, हम एंड से फ्रंट में जाएंगे क्योंकि वो दूर है। ये है यहाँ पे, आगे आ जाओ थोड़ा सा, दिखा देते हैं। ये यहाँ पे है पब्लिक टॉयलेट, अगर बाई चांस अगर किसी को पब्लिकली यूज़ करना हो, बाई चांस अगर इधर उधर कोई बंद हो जाए। ऊपर सारे पानी के टैंक्स रखे हैं जहाँ से सप्लाई होती है। बैक साइड में दिखाता हूँ, ये है हट नंबर 5, इसमें हम रुकी हुई है। और पीछे की साइड में इन्होंने बना रखा है ये सीवरेज टैंक इनका, जो भी यहाँ से जो भी इन्होंने किया, मैं उसको डीप में नहीं जाऊँगा। और इधर इनका पूरा अपना जाके वो जो ड्रिफ्टिंग वगैरह का वो वहाँ पे है। और यहाँ से फिर टोटल इसमें हट है 5। थोड़ा आगे आ जाओ करण जी मेरे साथ साथ जल्दी। ये भी दो छोटे पब्लिक टॉयलेट्स हैं यहाँ पे। अगर ये जो आप देख सकते हो, अगर कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, ये जो पोल गड्ढे हुए हैं ना यहाँ पे, पीक सीजन में क्या है यहाँ पे टेंट लगा देते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 ही हट हैं। तो उसमें तो शायद अगर पब्लिक ज़्यादा आ जाए तो वहाँ से लेके यहाँ तक इनके टेंट्स होते हैं, तो उसी के लिए पब्लिक टॉयलेट्स भी, वो उसमें टेंट वाले पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। एक हट फिर ये है 4, फिर 3, फिर 2, और एक वो एक नंबर हट है। और वो क्या है ऊपर? क्या वो वही है वहाँ पे जो उनका कल्चरल प्रोग्राम होता है ना शाम को, कुर्सी उसी लगा रखी है। चले एक बार दिखा दे, चलो आज। ये अपना जनरेटर है यहाँ पे इधर जनरेटर है, सोलर पैनल है यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है। जल्दी जल्दी आ जल्दी जल्दी आ। अरे वो देख रुस्तम, गीजर है वो। हाँ हाँ, गर्म पानी का। हाँ वो ऐसे है यहाँ पे गर्म पानी करके, इसमें देख, अगर तू देखेगा ना इसकी हाइट देख, जमीन की इसकी हाइट यूं है, मतलब उसका लेवल कम है। यहाँ पे गर्म पानी करके अंडरग्राउंड पाइप दबा रखी उन्होंने स्ट्रेट वहाँ पे, और वहाँ से फिर उनको गर्म पानी सप्लाई करते हैं। ये लकड़ियाँ वकड़ियाँ हैं जो अपने रात को बोन फायर होता करने के लिए। और ये यहाँ पे इनका है डाइनिंग हॉल,
बाहर बैठ के खाना चाहो बाहर बैठ के खा सकते हो। डाइनिंग वाला आपने फिर पहली वाली वीडियो में देखा ही होगा, रात वाला स्वाद जा सकते हैं। ये अपना यहाँ पे बफेट टेबल्स और ये अपना दो डाइनिंग टेबल के साथ छोटा सा डाइनिंग हॉल। स्ट्रेट ये किचन है, किचन का क्या दिखाऊँ आप, वो हो सकता है ना। और ये यहाँ पे वो है जो कल्चरल प्रोग्राम इनका होता है, कुर्सी उसी लगा के बीच में बोन फायर। तो यहाँ से अगर हम दिखाएं, यहाँ से व्यू दिखाओ एक बार करन उस साइड का, उस साइड का व्यू दिखाओ। अब ये जो खाली एरिया दिख रहा है ना, ये खाली इसलिए है अभी इनके पास ज़्यादा बुकिंग है नहीं, पीक सीजन में वो जो पोल लगे हुए हैं सारे वहाँ से पूरा भर जाता है टेंट पे। तो अगर आपको डेजर्ट कैंपिंग करनी है तो अपना यहाँ पे अपने आ सकते हो आप। कॉन्टैक्ट डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, जिसको हाइजीन इशू है वो बिल्कुल ना आए यहाँ पे, यहाँ पे काम चलाने वाली बात है बस। और कुछ आप बताना चाहोगे करण? नहीं नथिंग, बता दिया आपने सब कुछ। और कुछ है? खाना बढ़िया था भाई। रेंज रहती है हाँ, मोबाइल्स में रेंज है, रेंज है। खाना रात को हमने खाया था, खाना ठीक था, मतलब खाना अच्छा था, अच्छा था, मतलब फाइव स्टार टाइप तो नहीं था लेकिन खाना बढ़िया था। ब्रेकफास्ट का पता चलेगा ब्रेकफास्ट में क्या है। बाकी अगर हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई ज़्यादा स्पेसिफिक कंसर्न है तो बेशक ना हो भाई, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। काम चलाना पड़ेगा दो चार दिन बस, और कुछ। और गाड़ी अपने खुद लेके आनी चाहते हो तो कार वगैरह सेडान वगैरह मत लेके आना, अपनी एसयूवी और 4x4 ही लेके आना, क्योंकि यार रेत में हमारी भी एक बार फंस गई थी तो वो ही चलेगी बस यहाँ पे। आओ हुकुम, नाश्ते में क्या लोगे? हुकुम नंबर टू, नाश्ते में क्या लोगे? नाश्ते में सास गए अंदर, फिर से प्लांट तो नहीं कर रहा मेरे साथ। करारे करारे पराठे खाते हो ना? करारे करारे, रात को रोटी करारी करवाई थी। ये देखो रेत आई कर करार, ये देख ये लो पराठा ढाका जी के लिए। ओहो शेप देखिए क्या बात है, बस अपने स्टेशन का एक बार आपके लिए भी डाले करने एक्टिव नहीं करवाओ, लेट दीजिए आप ला चार टू और तो क्या ही इसी में खा लेते हैं, खाना चाहिए था वो रोटा का साबा चार। तो ये है भाई यहां सैंड ड्यून्स में ब्रेकफास्ट, एलजी के पराठे अच्छा है, चाय पियोगे कॉफी पियोगे? ये ले भाई चक्के बताओ। हाँ खाने का देखो रिव्यूज तो दूंगा मैं, जेन्युइन रिव्यूज, जैसे रात का खाना था, खाना अच्छा था। देखो क्या करोगे, पुलिस कंप्लेंट पर करना पड़ेगा ना। तो वही अभी गली वली में लगे होंगे यार, ठीक है पर मैदे में बना है कॉर्नर पे बनना चाहिए, कुरकुरे आटे में मल्टीग्रेन टाइप। मैं वही तो कह रहा हूँ, थोड़ी सी गार्निशिंग भी तो होनी चाहिए, गार्निशिंग भी होनी चाहिए, नमक की जगह सैंड ड्यून रेत, नमक की जगह सैंड ड्यून रेत। हाँ वो कहते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो आपको आलू के पराठे और चीनी के साथ खाना अच्छा लगता है आप यहाँ आ सकते हैं। करण जी कैसा स्वाद लग रहा है? बोले और चीज़ा देते चीनी आती और क्यों बना है तो है ठीक फन हो रहा है। आप आगे बैठ के चल रहे हो क्या कोर्ट तक? बैठ जाओगे?
नहीं, राइट राइट राइट। अरे यहां से नहीं, पागल है क्या, रुक गिर जाऊंगा मैं। सिटी में आगे बीकानेर है, बीकानेर सिटी में। हाँ हाँ, ये जैसे वहाँ चूरू में था धर्मस्तूप, वो तो नहीं है? ऐसा ही कुछ है, डाउनटाउन लग रहा है मुझे तो बीकानेर का। ये देखो नहीं, वो है डाउनटाउन, ये देखो ना, आई लव बीकानेर। टका सा फोटो लोगे यहाँ? हाँ ले लो। हाँ गाड़ी रुकने देंगे जब तो आते वक्त लेंगे, सीधा 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 उधर 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 उधर। ये कुछ वो लग रहा है यार, मतलब अपने सैनिकों के लिए वो कुछ मेमोरियल टाइप नाम भी लिख रखे हैं। बिल्कुल सीधा ये आ गया भाई, जूनागढ़ फोर्ट यही है क्या?